उसमें मेरा रोल एक्चुअली बहुत लो बैकग्राउंड, मतलब कि बहुत ही बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इन द सेंस कि जो लड़की रहती है ये काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से रहती है, तो हम दोनों की केमिस्ट्री कैसे प्रॉब्लमेटिक वे में करना, मतलब वो घर वालों को ना पसंद आने की वजह से हम कैसे भागते हैं, क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। सुमित जी पूछना चाहूँगा कि कैसे फील्ड आपकी है एक्टिंग प्रोफेशन में, किसने इंस्पायर्ड किया, कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, आपने गुजराती फिल्म में काम किया, बताइए कैसा अनुभव रहा उसमें काम करने का। इंस्पायर्ड मैं एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, मैं मुझे उनकी एक्टिंग एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता हूँ उनकी एक्टिंग को, और जो आज के टाइम पे जो कंप्लीट पैकेज बोलेंगे तो आई लाइक रणवीर सिंह, वो एक जो आज के टाइम का कंप्लीट पैकेज है ना, मुझे वो क्वालिटीज़ अपने में चाहिए, तो मैं उनको भी उनको काफ़ी हद तक उनको फॉलो करता हूँ। और जहाँ तक रही कि गुजराती मूवी का बात, तो गुजराती मूवी मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें, और उस मूवी का मोस्टली पार्ट जो शूट हुआ है वो दीव में, मतलब वो ऑल ओवर गुजरात में शूट हुआ, और उसमें जो हमारा बेसिक जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है वो हमने दीव में मोस्टली शूट किया, और वो बहुत ही अच्छा शूट हुआ है, वो दीव के सारे केव्स जहाँ जो बीचेस हैं अच्छे से यूज़ किया डायरेक्टर ने उसे, और बहुत ही रोमांटिक और बहुत प्यारा सा लव सॉन्ग बनाया उन्होंने, और वो बहुत ही निखर के आया उस मूवी में, तो वो जो हाईलाइट रहेगा वो हमारे मूवी का हाईलाइट रहेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये जो एल्बम में अपने काम किया है, आप जो रियल लाइफ में जो आपका पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टर है, और जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है, किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एल्बम में? रियल लाइफ में मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि प्रोफेशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ, और कभी कभार दोस्तों में रहा तो बहुत ज़्यादा मस्ती, इन शॉर्ट कि थोड़ा ऐसे टाइप का हूँ, बट इस जो एल्बम में मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत ही सीधा साधा, जो एक गरीब बैकग्राउंड से है तो उस तरह का था, तो मैंने उस कैरेक्टर को अच्छे से, बहुत अच्छा लगा उसे प्ले करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सर आपसे परिचय दीजिए पहले अपना उसका। मेरा नाम है संतोष सिंह, मैंने इस एल्बम में म्यूज़िक कंपोज किया है और गाना गाया है। एल्बम का नाम है तू बना या मिटा दे, और गाने का नाम भी तू बना या मिटा दे। सर संतोष जी देखा है वीडियो जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब लव स्टोरी है, जो आवाज़ है आपकी उसमें काफ़ी दर्द है, आपको भी कभी लव हुआ है, बताइए कैसे आप जब गाते हैं गाना तो किस फीलिंग के साथ गाते हैं, क्या कहाँ से इंस्पिरेशन आता है? मोहब्बत तो हर किसी को होनी चाहिए, मुझे भी हुई है, ऐसा मैं इससे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, और ये तो बचपन में भी होती है, स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, और उसके बाद भी होती है, और इसकी कोई उम्र एज तो है नहीं, और किसी भी रिश्ते में मोहब्बत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि माँ बहन में भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकती है, कितने सारे रिश्ते हैं, हर किसी में मोहब्बत हो सकती है। ये बताइए कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके करियर के हिसाब से ये एल्बम, कितना लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपको आपकी आवाज़ से, और किस तरह से प्रमोट किया जाएगा इस एल्बम को? जिस तरह से मेरे पहले एल्बम आए, मेरे एक्चुअली मैंने मेरा करियर प्राइवेट म्यूजिक से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, मेरा गाना था चन्ना वे घर आ जावे, बहुत बड़ा हिट हुआ था, एक बहुत मेगा हिट, तो वहाँ से मेरी शुरुआत थी, तो प्राइवेट म्यूज़िक मुझे मालूम है कि लोगों की दिल को कहाँ से वो उसका बटन मुझे मालूम है, तो उसके हिसाब से मैंने ये एल्बम बनाया है, और न्यू डायमंड प्रोडक्शन हाउस का साथ मिला, चंदा मैम का साथ मिला, तो उन्होंने मुझे मेरी क्रिएटिविटी के ऊपर भरोसा किया और हमें काम दिया, आई एम वेरी हैप्पी विद। सर इसके साथ एक गाने की बात की जाए तो कोई मैसेज देने का भी, जैसे आखिरी में वीडियो दिखाया है जैसे गोली मार दिया था, तो क्या उसके बारे में बताएंगे, जिस तरह से आजकल हो भी रहा है ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग तो खैर नहीं होनी चाहिए, उनकी शिक्षा में कमी है, उनकी सोच में कमी है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी उनके जो पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली वाले हैं वो अपनी सोच को बदलें, मैं तो ये कहूँगा ऑनर किलिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ उनका ईगो है, ये सिर्फ उनका अहंकार अहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपसे जाना चाहूँगा परिचय दीजिए, उससे बताइए कि क्या इंस्पायर किया आपको ये प्रोड्यूस करने के लिए एल्बम है? एल्बम क्योंकि एक सूफी सॉन्ग है, मुझे सूफी सॉन्ग बहुत पसंद है, बेसिकली मुझे संतोष सिंह का सॉन्ग पसंद है, उनकी डायरेक्शन भी, म्यूजिक डायरेक्शन जो है तो भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये सूफी सॉन्ग मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने उनको लिया, संतोष सिंह जी को लिया, और काफ़ी अच्छा इन्होंने सॉन्ग गाया है, कंपोज भी किया है, मतलब
तो आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो मतलब 90s में एल्बम्स वगैरह बहुत पॉपुलर हो गए थे, कोई भी एल्बम आप ले लीजिए, लेकिन आज के जमाने में बॉलीवुड का जो गाना है वही आप देखते हैं, जगह बजता है, प्राइवेट एल्बम को उस तरह वैल्यू किया जाता है, तो इतना बड़ा आपके लिए चैलेंज है? चैलेंज तो मेरे ये था क्योंकि जब मैंने ये एल्बम सोचा बनाने का तब तक कोई भी प्रोड्यूसर अभी तक मैं एल्बम को हाथ नहीं लगा रहा है। जो भी अभी एल्बम रिलीज हो रही है वो तो या सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर या एक्टर डायरेक्टर ये लोग ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रोड्यूसर नहीं कर रहा है। पर मेरे लिए एक चैलेंज था, पर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने अगर ये किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। करना चाहिए क्योंकि अगर सब लोग छोड़ देंगे, नया कोई क्रिएशन नहीं करेंगे तो शायद अच्छे अच्छे गाने ऐसे ही रह जाएंगे, सिंगर को भी कभी मौका नहीं मिलेगा। तो ज़रूर मौका देना चाहिए कि कोई नए भी सिंगर हो, उनको भी एक प्रोड्यूसर को उसका ये होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी सिंगर को लें और उसको भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही, पर हमको करना चाहिए एल्बम। तो इस एल्बम के बाद कोई फिल्म को लेकर उनके, जैसे आपने सॉन्ग की बात की तो सॉन्ग फिल्म के जरिए लोगों के बीच और जा सकती है, तो आपने आगे सोचा है कि फिल्म के द्वारा भी नया प्रमोट करेंगे, आगे ले जाएंगे अगर आपने सिंगर को अपने साथ लिया है तो? सिंगर को मैंने साथ लिया है, अगर मैं ऐसा कोई मूवी बनाऊंगी जो ऐसा गाना मुझे चाहिए सूफी सॉन्ग या संतोष सिंह के जैसे तो लूंगी, मतलब आपका कहना है कि संतोष जी सिर्फ सूफी सॉन्ग के लिए बेस्ट है? नहीं नहीं, मुझे उनके सूफी सॉन्ग बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कौन से सिंगर में आप क्या ढूंढते हैं, मुझे उनका सूफी सॉन्ग पसंद है। अगर मैं कभी ऐसा मूवी बनाऊंगी तो मैं उनको लेना पसंद करूँ। आपने अपने एल्बम के लिए सूरज जी को मतलब किया कि हाँ उन्हें लिया आपने, तो क्या कुछ ऐसा खास बात लगी, कैसे आपका उनसे मिलना हुआ कि आपने अपने एल्बम के लिए उन्हें सिलेक्ट किया? एल्बम के लिए तो मुझे एक चेहरा चाहिए था, वो मुझे सूरज कुमार में मिला, इसके लिए मैंने उनको लिया। इनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इनका शॉर्ट फिल्म देखा था, इसके लिए मैंने इनको एक चांस दिया। और इसके बाद मुझे इनकी मतलब एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा, जिसके कारण कि मैंने गुजराती मूवी मेरी थी तो इनका, मेरे डायरेक्टर ने भी इनका एक्टिंग देखा कि नहीं ये बहुत ही मतलब एक्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा करता है, तो मुझे जो चेहरा चाहिए गुजराती मूवी के लिए वो मुझे गुजराती फेस नहीं चाहिए था, एक हिंदी वाला फेस चाहिए था, तो हमने इनको रिपीट भी लिया है, तो इसके लिए इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। सूरज मेरा आपसे एक सवाल है, इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उसके बारे में बताएंगे कुछ? इसके आगे तो ऐसे कोई फिलहाल बस डिस्कशन चल रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, बस अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ, जैसे होगा तो।